सो यार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और मैं जाग रहा था सिर्फ आप लोगों के लिए एडिटिंग की वजह से। जब मैं जागता हूँ तो मुझे लग जाती है भूख। और ये आप लोग ड्रेसिंग चेक कर लो, आपके भाई की फुल नाइट ड्रेसिंग कर चुका हूँ मैं और यकीन नहीं आ रहा, लग रहा है टाइम बढ़ा हुआ है। सो ये बाहर का सन्नाटा देख के पता चल जाएगा। ये चेक करो, बाहर फुल सन्नाटा हो रहा है। एक मिनट, ये चेक करो, ये बाहर फुल सन्नाटा हो रहा है। और आपका भाई सिर्फ आप लोगों के लिए वैसे ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। सो खैर, अभी चलते हैं यार बर्गर वगैरह लेने के लिए। मोबाइल में लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल 60-70 हज़ार रुपये का मोबाइल है और ये यूँ जाएगा, यूँ तो इतनी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये यूँ जाए और मैं यूँ ले लूँ, क्योंकि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर अभी बाकी आप लोग सपोर्ट करो तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। फिर पूरी रात बाहर ब्लॉग बनाऊँगा, मसला नहीं है। तो खैर जो है अभी बज रहे हैं 2, तो अपन चलते हैं कुछ लेने के लिए। और दूसरा व्लॉग भी आपके भाई ने कर दिया रात से स्टार्ट, सो इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार, फाइनली आपका भाई आ चुका है घर पे और आहिस्ता में इसलिए बोल रहा हूँ, पापा सो रहे हैं तो कहीं मूड जाए। तो वो जो है मैं अभी अभी घर पर आया हूँ, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे वाले, 2:35 हो गए। और आते हुए आपके भाई के साथ सीन हो गया, कुत्ते पीछे लग गए बड़ी बुरी तरीके से। खैर सीन कुछ ऐसा है कि जो है अभी खाना वगैरह आपके भाई ले आया था, खाने में बर्गर, बीफ बर्गर और बोतल वगैरह पकड़ ली थी। सो फटाफट से इसको ठूसते हैं और उसके बाद आप लोगों से डायरेक्ट मैं मिलता हूँ सुबह उठ के। सो आपके भाई की हो चुकी है मॉर्निंग, जस्ट अभी अभी हुई है, अभी 11:30 पे लाइट आई थी और अभी 11:45 हो रहा है। सो आपके भाई की मॉर्निंग हो चुकी है, आज है जुम्मे का दिन, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और आपके भाई की मॉर्निंग अभी हुई थी, आपके भाई ने नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया है। नाश्ते में आज है चाय और बटर पफ बिस्किट। सो जो है नाश्ता वगैरह करते हैं पहले फटाफट से, क्योंकि फिर आज के दिन जो है नमाज़ वगैरह पढ़ने भी जाना है और अदर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं काफ़ी, तो जो है देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। सो आज का ना असल में प्लान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम कहीं भी जा सकते हैं आज, तो इस वजह से इस व्लॉग तो मैंने रात में स्टार्ट कर दिया, सॉरी। सो खैर जो है फटाफट से करते हैं पहले नाश्ता, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो भाई नहा धो के आपका भाई हो चुका है रेडी, सो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। टाइम 2 बज रहा है और मुझे अपने नाना वाले घर की तरफ अली मस्जिद में जाना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने। सो वहाँ चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, फटाफट से निकलते हैं, वहाँ पर भी 2:15 बजे जमात है, तो घर से निकलते हैं। हाँ तो क्या आपका भाई अभी भी रेडी हुआ है, फटाफट निकलते हैं यार। तो भाई मस्जिद के करीब पहुँच चुके हैं और रश चेक कर रहे हो आप लोग बाइकों का, और हर किसी की समझो एक छोटी सी ईद होती है जुम्मे की, जो दिन है ये सबके लिए एक छोटी सी ईद के बराबर है ये दिन। तो जो है अभी हम लोग चलते हैं नमाज़ पढ़ने, और मुझे जहाँ तक आवाज़ आ रही है ना कि जमात इस टाइम खड़ी हो चुकी होगी, और आप लोग भी सामने देख सकते हो कि जमात बिल्कुल खड़ी हो चुकी है और मैं ज़रूरत से ज़्यादा लेट पहुँचा हूँ मस्जिद। तो या अल्लाह मुझे माफ़ करना, बाकी यार जल्दी जाना चाहिए जुम्मे के दिन मस्जिद, क्योंकि खुतबा सुनना लाजमी होता है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ लेते हैं अब कबूल करने वाला अल्लाह पाके। सो अब बाद में मिलते हैं। सो यार नमाज़ वगैरह तो फारिग हो गया आपका भाई, आपके भाई ने ले ली कुल्फ़ी वगैरह, फटाफट से खाते हैं कुल्फ़ी और फिर जो है आप लोगों से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। कुल्फ़ी बड़ी शो है यार, मज़ेदार कुल्फ़ी है यार। सो यार फाइनली आपका भाई आ चुका है नमाज़ पढ़ के घर, टाइम हो रहा है 2:20 और लाइट चली गई है। सो अभी लाइट का वेट करते हैं और जो है फिर आगे का सीन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ ब्राउनी, और ये शेक ब्राउनी शेक बनाने जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। सो फटाफट से बनाते हैं ब्राउनी शेक और उसके बाद आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। तरंग के डब्बे से निकाल के दूध मैंने बनाया है ब्राउनी शेक, तो फटाफट से बनाते हैं और फिर समेटते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फाइनल लुक इसका। यहाँ पर मैंने रख दिया ये ओरियो शेक, ओरियो शेक नहीं कहेंगे, सिर्फ ब्राउनी शेक कहेंगे। सो फुल व्हाट अ नाइस लुक आ रहा है फुल, तो अभी जो है ये ठंडा हो जाए फिर आप लोगों को फाइनल टचअप देता हूँ। सो यार फाइनली आपके भाई ने इसको निकाल लिया, बिल्कुल ये ठंडा हो चुका, समझो एक तरीके से जम गया ये। ये चेक कर लो लुक, असल में क्योंकि ये जो है ना उसका है, ये देखो यहाँ से आ रहा है जूस ऊपर, बाकी ऊपर ना फुल झाग केक वगैरह जम गया थोड़ा बहुत। सो यार बहुत मज़ेदार बना हुआ है,
मज़ेदार पता आ गया। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, घर के अंदर दूध लो, बर्फ़ लो, चीनी लो और ब्राउनी लो और उन सबको मिक्सर में डालो, ग्राइंड करो और उसके बाद बना लो ऐसे ही शेक। कैसा ज़बरदस्त झाग वगैरह फुल, ऊपर ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, समझो एक केक की तरह लग रही है लेयर, जैसे वो पेस्ट्री वाले केक होते हैं उसमें जो लेयर होती है एक क्रीम के नीचे, वही वाली लेयर लग रही है बिल्कुल खाने में। बड़ा मज़ेदार है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक नई रेसिपी बता दी आपके भाई ने आपको ब्लॉग में, सो उसको फटाफट से पीते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता है। नमाज वगैरह पढ़ के हम लोग आ चुके हैं अभी खेलने के लिए क्रिकेट, वो आराम खड़ा हुआ है, ये वज्जी हमारे मोहल्ले का बच्चा, ये आलियान, अब वो खड़ा हुआ आराम। बहुत पड़ा हुआ है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है यार यहाँ पर।
शाम में निकले थे, आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है। आ चुके हैं दो दरिया सी व्यू के करीब पे और सामने रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए और बहुत प्यारा मॉल बना हुआ है सामने चंगी वंगी और सीन ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं रहने दे अबे तो अबे ये तो यार अभी जो है हम लोग पहुंचे हैं सी व्यू की तरफ दो दरिया वाली सीन पे। हाँ ये चेक कर रहे हो पूरा और यार बहुत टाइट वाला सीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल दिया है, पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल डालो वहाँ तक तो पहुँचे पंप तक। तो खैर यार अभी पेट्रोल वगैरह भी डलवाना है और एक तो काम और सो जो है यार अभी जो है अंदर चलते हैं तो फिर आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं। आज में हम लोग सी व्यू है दो दरिया, ये मुझे सही से याद नहीं हो रहा, यहाँ पे भट्टी है पहाड़ और सामने गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं लेकिन अंधेरे की वजह से ना बिल्कुल फ्रेश आप लोगों को नहीं दिख पा रही होंगी और लोगों की आमद और रफ्त तो बहुत है यहाँ पे। तो खैर जो है अभी ये सीन है कि अभी आए यहाँ पे सामने यार ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ चमकीला चमकीला था ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या ट्रेड की क्या है, जिसको भी पता हो कमेंट में लाजमी बताओ। और मैं आया हूँ अब्दुल्ला और ज़ैफ़ा के साथ। सो ये है कि अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे सुकून से, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। सो यार फाइनली जो है पारी हो गए थे दो दरिया से आते वक्त, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और अभी भी बहुत ज़्यादा रश है और हम लोग यहाँ पे आ गए पापा चिकन पर रोल खाने, मैं और ज़ैफ़ा अब्दुल्ला भाई अभी रोल वगैरह मंगाते हैं, विंटर भाई सामने से आ रहे हैं। ज़ैफ़ा भाई चेक करो, वो चेक करो ज़ैफ़ा भाई और वो वेटर भाई हमारे आते हैं तो उनको ऑर्डर वगैरह देते हैं। देवा भाई आ रहा है उसके बाद सीन ये है ना रोल वगैरह का सामने सेटअप है तो लोकेशन भी प्यारी है। मैं काफ़ी बहुत टाइम बाद यहाँ बैठा हूँ मैं ऐसी जगह पे ना खाने वाने के लिए, वरना मैं और ज़ैफ़ा आता है तो बिरयानी खाने आते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट पर। तो खैर अभी फटाफट से रोल वगैरह मंगाते हैं, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे कुछ बात नहीं। तो यार फाइनली जो है रोल वगैरह आ चुके हैं, शोर बहुत है क्योंकि ये मेन रोड पे बना हुआ है, हम लोग मेन रोड के किनारे पे ही बैठे हुए हैं। सो रोल वगैरह आ गए वो रखे पे, दफ़ा मैंने निकाल लिया और चटनी वगैरह, ये तो घर पानी है, फटाफट से खाते हैं रोल और टेस्ट में कहते हो दफ़ा अच्छा है वगैरह अच्छा है। तो जो है अभी फटाफट से खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं लेकिन जो ना ये चेक कर रहे हो उल्लू बैठा हुआ सामने, वो नहीं कर पत्थर नहीं मार, ओए ओए हिला 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 अबे हिला मुल्ला मार 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 अबे वो आ जाएगी निकल तो कद्दू आवाज आ रही है। अबे नहीं कर मुल्ला नहीं कर। सो यार चलते हैं हम लोग फटाफट से, उल्लू ने देख लिया हमें और हम लोग फटाफट निकलते हैं, मैं घर पहुंच के मिलता हूं। तो यार फाइनली मैं आ चुका हूं घर पे, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अभी घर पे आया हूं तो घर पे पुलाव वगैरह रखा हुआ था तो भूख लग रही है यार, रोल मैंने खाए थे लेकिन रोलों से ना मेरा पेट नहीं भरता, कम से कम 3-4 रोल खाऊँ पर पेट भरता है, तो इस वजह से फटाफट से खाते हैं पुलाव वगैरह। और अभी जो है थक गया हूँ बहुत ज़्यादा तो अभी बाहर बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आप लोगों से सुबह उठ के, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में यानी सुबह उठ के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।